राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं हिमाचल प्रभारी जगदीत शर्मा ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। इस दौरान उन्होंने महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार की खूब निंदा की। वहीं उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के लिए कोई भी रोजगार उपलब्ध करवाने में सरकार कामयाब नहीं हो सकी है। हमारे देश में आज जो हालात है वो ना तो शिक्षा की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है, ना महंगाई की बात होती है। वहाँ अगर इस प्रकार की बातें हम जो सत्ताधारी पार्टी है उनके नुमाइंदों से करते हैं तो वो सीधे बात को डाइवर्ट कर देते हैं कि आप महंगाई की बात मत करिए, आप शिवलिंग की बात करिए। हम बेरोजगारी की बात करते हैं, वो कहते हैं हमने अयोध्या मंदिर बना दिया। अयोध्या मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया या भाजपा ने बनवाया ये आज तक हमारी समझ नहीं आ रहा, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। मेन मुद्दे ये है आज की डेट में आम आदमी जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए प्रतिदिन जद्दोजहद कर रहा है और हमारे देश की सरकार, हमारे राज्य की सरकार पूरी तरह से इस ओर से आंखें मूंदे बैठी है और जनता का को बरगलाने के लिए वो मुद्दे डाइवर्ट कर देती है और जनता के हित के लिए कोई कदम नहीं उठाती। छोटी सी बात सुखमी कहूँगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछले 3 टर्म से सत्ता में है और जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हरियाणा से बिलोंग करते हैं लेकिन आज तक हरियाणा में वो अपने पैर नहीं जमा पाए। पिछले विधानसभा चुनाव में हरियाणा के में उनके सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पे उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। पंजाब का मसला अलग था, पंजाब में जनता सत्ता परिवर्तन चाहती थी, राजशाही से छुटकारा पाना चाहती थी और एक विकल्प के तौर पर उन्होंने केजरीवाल को देखा। लेकिन हिमाचल और पंजाब की राजनीति में जमीन आसमान फर्क है। हिमाचल की जनता पूरी तरह से कांग्रेस के प्रति विश्वास रखती है, कांग्रेस की विचारधाराओं में विश्वास रखती है और कांग्रेस की नीतियों पर चलने के लिए अपना कदम ताल करती है। तो हिमाचल में आम आदमी पार्टी का मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कहता हूँ इनको 68 विधानसभा सीटों में कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे और ये कांग्रेस को प्रभावित करने वाली बात तो बिल्कुल सिरे से नकार दी जाती है।